के अच्छा लगता है ना, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है ना। और तीज त्योहारों पे जब हम लोग के त्यौहार होते हैं और उसमें तैयार होना तो वाकई अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माई फ्रेंड्स में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तीजों का त्यौहार आ रहा है तो सब लोग बड़ा तैयार श्यार हो के और ग्रीन साड़ी पहन पहन के वीडियो बना रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, और आज मैंने ग्रीन सूट पहना हुआ था तो मैंने आज सूट पे ही थोड़ा सा मेकअप करा और थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैंने सोचा मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। और तो थोड़ी सी मेरी वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ग्रीन चूड़ियाँ भी पहनी थी, ग्रीन बिंदी भी लगाई थी, लेकिन बिंदी थोड़ी सी मेरे पास बड़ी थी, छोटी बिंदी नहीं थी, तो वो मेरे पर कम अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। और कल मंडे था, मंडे के दिन मैंने आपको बताया था मेरा व्रत था, व्रत में मैंने क्या बनाया, वो मैंने क्या खाया, और आज थोड़ा सा जो मैंने मेकअप करा हुआ है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, तो ज़रूर अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। और कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। हाँ, ये न्यूट्रीलाइट के आटे से अपनी कीटो डाइट जो मेरी चल रही है, मैं उसके लिए थोड़ी सी आज व्रत है मेरा, मैंने आप लोगों को बताया था सोमवार का मेरा व्रत है, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए दो पूड़ी बना लेती हूँ, दो या तीन, तो इसलिए मैं इस आटे का यूज़ कर रही हूँ। और ये आटा लिया, और न्यूट्रो एक्टिव का जो मैंने आटा लिया है उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, क्योंकि सब्जी खानी है और कोई सी भी आप नहीं खा सकते हो, तो मैंने इसको इसलिए सिर्फ और इसको इस तरीके से गूंद लूंगी थोड़ा सा, जिससे पूरी बन जाए आसानी से। सारा नट्स ही नट्स का है ये। इस तरीके से हो गया, इसमें हल्का सा मैं हाथ में देसी घी लगाऊंगी और इसको 5 मिनट के लिए मैं रख दूंगी फूलने के लिए, क्योंकि इसमें नट्स हैं तो इसलिए इनको फूलने के लिए मैं रख दूंगी। फिर इसकी थोड़ा सा इसी का सूखा आटा भी लूंगी पलेठन के लिए, हल्का सा इसको बेल लेंगे। वो कितनी थोड़ी थोड़ी सी कोई प्यार है, धीमी आंच बनाएंगे क्योंकि ये सीड्स की है ना, तो फिर इसको थोड़ा सा कुरकुरा होने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको धीमी धीमी आंच में बनाएंगे। और ये ग्लूटेन फ्री है, लोग इतनी अच्छी सी खस्ते ऐसी बनी है। ये पूरी तैयार हो गई, ऐसे ही फिर मैं दूसरी वाली भी डाल दूंगी। और देखो कितनी अच्छी सी पूड़ी बनी हुई है ये, आप इसको रायते से भी खा सकते हो और जो आपने कोई भी सब्जी बना रखी हो वो खा सकते हो, लेकिन मैं सारी सब्जियां नहीं खाती हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि डाइट में मैं गिनी चुनी सब्जियां खाती हूँ, तो मैं इसको खीरे के रायते से खा लूंगी, क्योंकि तो दही खा सकते हो और खीरा भी खा सकते हो, तो मैंने खीरे का रायता बनाया हुआ है, मैं इससे इसको खा। Bye.
आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।